भारत ने दूसरी बार टीबीस विश्व कप अपने नाम कर लिया भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को धूल चटा दी भारत की जीत के साथ देश में आतिशबाजी और जश्न होने लगे इसके बाद एक के बाद तीन खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी जिससे फैंस के दिल टूट गए भारतीय क्रिकेट टीम ने टीबीस वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया जिससे देशवासियों में खुशी की लहर है इसके बाद से फैंस के लिए लगातार एक के बाद एक दिल टूटने वाली खबरें आ रही हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब रविन्द्र जडेजा ने बड़ा ऐलान कर दिया है रविंद्र जडेजा ने भी टीबीस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से लिया देशवासी अभी टीबीस विश्व कप जीतने की खुशी मना रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ियों ने टीबीस इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया सबसे पहले बल्लेबाज विराट कोहली ने संन्यास लेने का ऐलान किया उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी बड़ी घोषणा करते हुए टीबीस आई को अलविदा बोल दिया अब ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा ने भी अपने फैंस को दिल तोड़ दिया और उन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया हालांकि ये तीनों खिलाड़ी टेस्ट और वनडे में नजर आएंगे 2024 के फाइनल में नहीं चला रविंद्र जडेजा का जादू T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रविंद्र जडेजा का जादू नहीं चला उन्होंने सिर्फ दो रन बनाए गेंदबाजी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला ऐसा ही उनका डेब्यू मैच भी था 10 फरवरी 2009 को उन्होंने टीबी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में रविंद्र जडेजा एक भी विकेट नहीं चक्का पाए थे उन्होंने सिर्फ पांच रन ही बनाए थे